मंजिलों पर पहुँच कर लेंगे हिसाब रास्तों का, है कौन जो रोक सके समर में रथ इन दीवानों का। प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। मैं आरवी विंध्यवासिनी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के शानदार सेशन में आपके अपने चैनल MCQ मास्टर पर। प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न एक, वो कौन सी पहली मुगल इमारत है जो शुद्ध संगमरमर से बनी है? ए ताजमहल, बी बुलंद दरवाजा, सी बीरबल का महल, डी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। सही उत्तर है डी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। प्रश्न दो, वर्ष 1917 में बनी भारतीय महिला संस्था की पहली अध्यक्षा कौन थी? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी मैडम ब्लावत्स्की, डी अरुणा आसिफ अली। सही उत्तर है ए एनी बेसेंट। प्रश्न तीन, वर्ष 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? ए महात्मा गांधी, बी सी आर दास, सी लाला लाजपत राय, डी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सही उत्तर है डी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। प्रश्न चार, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था? ए विनोबा भावे, बी चंडी प्रसाद भट्ट, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी बी और सी दोनों। सही उत्तर है डी बी और सी दोनों। प्रश्न पाँच, भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक प्रदेश था? ए डेनिश, बी स्पेनिश, सी फ्रांसीसी, डी पुर्तगाली। सही उत्तर है डी पुर्तगाली। प्रश्न छह, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? ए बाजार और मेले, बी विवाह और तलाक, सी वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, डी राज्य की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक नज़रबंदी। सही उत्तर है ए बाजार और मेले। प्रश्न सात, किन्हें जनहित याचिकाओं की जननी कहा जाता है? ए लिली थॉमस, बी इंदिरा जयसिंह, सी हुसैनारा खातून, डी पुष्पा कपिला हिंगो रानी। सही उत्तर है डी पुष्पा कपिला हिंगो रानी। प्रश्न आठ, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में अध्याय चार में निहित हैं? ए अनुच्छेद 18 से 24, बी अनुच्छेद 25 से 35, सी अनुच्छेद 36 से 51, डी अनुच्छेद 52 से 61। सही उत्तर है सी अनुच्छेद 36 से 51। प्रश्न नौ, किम्बर्ली सोने की खदानें कौन से महाद्वीप में स्थित हैं? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी उत्तरी अमेरिका। सही उत्तर है बी अफ्रीका। प्रश्न दस, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? ए कील नहर, बी स्वेज नहर, सी वेलन नहर, डी बाल्टिक सागर नहर। सही उत्तर है बी स्वेज नहर।
प्रश्न 11, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा नदी को साफ करने की परियोजना कौन सी है? ए गंगा मंथन, बी नमामि गंगे, सी पोलावरम प्रोजेक्ट, डी कलापसर प्रोजेक्ट। सही उत्तर है बी नमामि गंगे। प्रश्न 12, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात किसके द्वारा अनुमानित किया जाता है? ए गरीबी सूचकांक, बी विसमूहन सूचक, सी गरीबी रेखा से नीचे, डी लोगों की संख्या के अनुपात। सही उत्तर है डी लोगों की संख्या के अनुपात। प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कर है जिसकी वसूली सिर्फ राज्य कर सकता है? ए सीमा शुल्क, बी भूमि राजस्व, सी आयकर पर अधिभार, डी व्यक्तियों और कंपनियों की संपत्ति के पूंजीगत मूल्य पर कर। सही उत्तर है बी भूमि राजस्व। प्रश्न 14, किसी रॉकेट का उड़ान भरना किसके द्वारा समझा जा सकता है? ए गति के दूसरे नियम, बी गति के पहले नियम, सी संवेग संरक्षण के नियम, डी ऊर्जा संरक्षण के नियम। सही उत्तर है सी संवेग संरक्षण के नियम। प्रश्न 15, ध्वनि की प्रबलता मापी जा सकती है? ए हर्ट्ज़, बी आवृत्ति, सी डेसिबल, डी प्रतिध्वनि। सही उत्तर है सी डेसिबल। प्रश्न 16, इनमें से कौन से पौधे अलैंगिक रूप से जन्म नहीं लेते हैं? ए आलू, बी प्याज, सी अदरक, डी मीठे आलू। सही उत्तर है सी अदरक। प्रश्न 17, बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक के रूप में कार्य करता है? ए बीजांड, बी युग्मनज, सी अंडाशय, डी भ्रूणपोष। सही उत्तर है डी भ्रूणपोष। प्रश्न 18, एक कंप्यूटर में फाइल फोल्डर आदि के चित्रात्मक निरूपण को कहा जाता है? ए टूलबार, बी शॉर्टकट, सी आइकॉन, डी टास्क बार। सही उत्तर है सी आइकॉन। प्रश्न 19, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया था? ए 2000, बी 2003, सी 2006, डी 2009। सही उत्तर है सी 2006। प्रश्न 20, किस वर्ष भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई? ए 1950, बी 1951, सी 1966, डी 1969। सही उत्तर है सी 1966। और ये है पिछले वीडियो में पूछा गया प्रश्न और उसका सही उत्तर। और ये है आज का प्रश्न, इसका जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने मित्रों और भाइयों बहनों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बने रहिए MCQ मास्टर के साथ। और मुस्कुराते रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि टूटकर भी जो मुस्कुरा दे उसे भला कोई कैसे हरा दे। धन्यवाद।